हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा थालपोज का डिज़ाइन लेके आई हूँ जिसे मैंने दो कलर में बना रखा है ये थ्री प्लाई का ऊन है और क्रोसिया सात नंबर का है इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत कम टाइम में बनेगा तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक गाठ लगाएंगे और फिर उसमें चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ छः चैन बनाएंगे हम यहाँ पे और जो हमने फर्स्ट चैन बनाया था वहाँ पे इसको ज्वाइंट कर लेंगे अब ये एक सर्कल बना लिया यहाँ पे अब इस सर्कल में हम डबल क्रॉसिया बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हम तीन चैन बनाएंगे और यहाँ से फिर डबल क्रॉसिया बनाना शुरू करेंगे चैन वाले को भी काउंट करना है हमें एक दो तीन चार यहाँ पे हमें टोटल इस सर्कल में बीस डबल क्रोशिया बनाना है बना के दिखाती हूँ पूरा बीस बना लिया इसमें अब जो हमने यहाँ पे तीन चैन बनाया था उसके लास्ट वाले में इसको ज्वाइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से कर लिया फिर एक दो तीन फिर से तीन चैन बनाएंगे और सेम जगह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे दो डबल क्रोशिया हो गए अब इसके नेक्स्ट वाले चैन में भी हमें यहाँ पे एक भी चैन स्किप नहीं करना है अब इसके नेक्स्ट वाले चैन में दो डबल क्रॉसिया बनाएंगे एक दो फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में दो डबल या, एक दो हमें इस लाइन में हर एक चैन के ऊपर दो दो डबल क्रॉसिया बनाते जाना है हमने नीचे यहाँ पे बीस डबल क्रोशिया बनाया था अब इसके ऊपर चालीस डबल क्रोशिया बनेंगे हर एक चैन के ऊपर दो दो बना लिया पूरा अब यहाँ पे टोटल हमारा चालीस डबल क्रोशिया हो गया अब इसको हम चैन वाले में फिर से ज्वाइंट कर लेंगे ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया फिर एक चैन बना के धागा बांध लेंगे और कट कर लेंगे कर लिया अब हम इसमें येल्लो वाला धागा लगाएंगे हम इसे कहीं से भी इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं हम इसे चैन वाले पार्ट में इसको ज्वाइंट करेंगे पहले कर लिया ज्वाइंट अब चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच चैन बनाएंगे और नीचे से एक चैन स्किप करके दूसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लेंगे फिर से पांच चैन बनाएंगे दो तीन चार पाँच और फिर यहाँ पे एक चेन स्किप करके और दूसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोसिया से ज्वाइंट कर लेंगे फिर पांच चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच और फिर एक चैन छोड़ के दूसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोसिया बना लेंगे ऐसे ही करके हमें इस पूरे लाइन को बनाना है बना लिया अब हमारा यहाँ लास्ट में भी एक चैन बचा हुआ है अब एक चैन स्किप करके यहाँ पे दूसरे वाले चैन में सिंगल क्रोसिया से जॉइंट कर लेंगे कर लिया अब यहाँ पे जो हमने बनाया था वहाँ पे सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसी में एक सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे ताकि हम धागे को बीच में लेके जाए हो गया अब फिर से पाँच चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच चेन बना के और यहाँ से बीच से एक सिंगल क्रॉसिया बना लेंगे फिर एक दो तीन चार पाँच पाँच चेन बना के और फिर यहाँ से एक सिंगल क्रॉसिया ऐसे ही करके हम इस पूरे लाइन को बनाएंगे ऐसे ही करके हमें पाँच लाइन बनाने हैं बना लिया पाँच लाइन पाँच लाइन बना के और धागा को कट कर लिया अब हम इसमें फिर से पिंक कलर वाला ऊन लगाएंगे इसे भी हम कहीं से भी लगा सकते हैं जैसे मैंने यहां से शुरू किया बनाना जहां पे चैन बनाया था वहां पे इसको ज्वाइंट कर लेंगे पहले कर लिया ज्वाइंट अब चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन चैन बना लिया और जो ये चैन वाला पार्ट है इसमें डबल क्रॉस बनाएंगे एक दो तीन चार चार डबल क्रोसिया बनाएंगे चैन वाले में फिर जो चैन है नीचे लाइन में उसके ऊपर एक डबल क्रोसिया फिर से इसमें पांच, चार डबल क्रोसिया एक दो तीन चार और फिर एक चैन वाले के ऊपर एक डबल क्रोसिया मतलब सारे चैन वाले पार्ट में पांच पांच बनते जाएंगे ऐसे ही करके पूरा बनेगा बना लिया पूरा अब इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे तीसरे वाले चैन में और फिर एक दो, दो चैन बना लिया अब नेक्स्ट वाले चैन में एक सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे फिर एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह चैन बनाएंगे यहाँ पे और फिर नीचे से एक दो तीन चार पाँच पाँच छोड़ के छठे वाले में एक सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे बना लिया फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रॉसिया और फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रॉसिया फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे टोटल हमें पांच चैन में पांच क्रोशिया बनाना है और फिर से यहाँ पे सोलह चैन बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया इसमें बना लिया सोलह चैन और फिर से एक दो तीन चार पांच पांच स्किप करके और छठे वाले में एक सिंगल क्रॉसिया और फिर ऐसे ही यहाँ पे फिर से पांच सिंगल क्रॉसिया बनाएंगे एक दो तीन चार पांच पांच बना लिए ऐसे ही करके हम इस पूरे लाइन को बनाएंगे बना लिया पूरा लाइन हमने यहाँ स्टार्टिंग में तीन चैन बनाए थे फिर जब यहां से बना के आए तो दो यहां पे और बना लिए यहां भी टोटल पांच चैन हो गए अब हम इसका नेक्स्ट लाइन बनाएंगे यहां पे हम एक डबल क्रॉसिया लेंगे और जो हमने चैन बनाया था ये रिंग वाला उसके हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे एक दो दो बना लिया अब तीसरे वाले चैन में एक बनाएंगे फिर तीन चौथे वाले में हमें यहाँ पे चौथे वाले में दो डबल क्रॉस ये बनाना है एक ही जगह एक ही चैन में बना लिया और फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक और फिर इसके नेक्स्ट वाले में दो हमें इस पूरे चैन को इसी तरह से फिल करना है पहले हम तीन एक एक चैन में एक एक डबल क्रॉसिया बनाएंगे ऐसे ही करके हम इस पूरे में बना लेंगे हर चौथे वाले में दो डबल क्रॉसिया बाकी सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया अब हमने यहाँ पे जो पांच चैन बनाया था इसके बीच में दो इधर से छोड़ के दो इधर से छोड़ के बीच वाले में एक सिंगल क्रॉसिया से इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे कर लिया अब फिर से हम डबल क्रॉसिया लेंगे और सेम ऐसे जैसे हमने पहले बनाया ऐसे ही सेम यहां भी बनाएंगे हमने यहाँ पे चैन में एक डबल क्रॉसिया बनाया दो तीन चार यहां पे चौथे वाले में अब दो डबल क्रॉसिया बनाना है और फिर से इसके बाद वाले नेक्स्ट वाले चैन में एक एक चैन में एक एक डबल क्रॉसिया बनाएंगे ऐसे ही करके हम इस पूरे लाइन को बनाएंगे बना लिया पूरा और धागा कट कर लिया फिर से हम इसमें येलो वाला उनको जोड़ेंगे हमने यहाँ पे पांच बनाए थे तो यहाँ पे दो इधर छोड़ के तीसरे वाले फंदे में इसको ज्वाइंट करेंगे येलो वाले को कर लिया ज्वाइंट और फिर एक एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चैन में दो हो गए तीन तीन चैन बना तीन चैन बना लिया और फिर यहाँ पे हम सोलह चैन बनाएंगे जैसे हमने नीचे लाइन में बनाया था पिंक वाले ऊन में ऐसे ही सेम डिज़ाइन हमें येलो कलर से भी बनाना है तो हमने यहाँ पे सोलह चैन बना लिए अब हमने आगे से बनाया था अब हम डिज़ाइन को पीछे करके इसको ज्वाइंट करेंगे सबसे पहले वाले में ज्वाइंट करेंगे पीछे की तरफ करके और फिर यहाँ पे पांच चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पच अब फिर से सोलह चैन बनाएंगे बना लिया सोलह चैन अब हमने ये पीछे से बनाया था डिज़ाइन तो अब हम इसको ज्वाइंट कर, जब करेंगे तो इस डिज़ाइन को आगे की तरफ से ज्वाइंट करेंगे अब यहाँ पे हमने पहले वाले में इसको ज्वाइंट कर लिया अब फिर से एक चैन बना के और यहाँ पे पांच चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच बना लिया और फिर से सोलह चैन बना के और फिर से सेम ऐसे ही पूरा बनाते जाएंगे ये बना लिया पूरा अब यहाँ पे एक ये हो गया और एक और बनाएंगे यहाँ पे दो तीन यहाँ पे टोटल पाँच हो गया अब फिर हम जब पिंक वाले में बनाया था सारे चैन में डबल या सेम वैसे ही बनाएंगे पहले तीन चैन में एक एक डबल या फिर चौथे वाले में दो डबल या फिर तीन में तीन चैन में तीन डबल या फिर चौथे वाले में दो डबल या सेम हमें पिंक वाले ऊन के जैसा ही बनाना है इसको भी अब ये पूरा लाइन बना के दिखाती हूँ बना लिया पूरा लाइन ये कुछ डिजाइन आगे से है और कुछ डिजाइन पीछे से है अब जब इसका नेक्स्ट लाइन बनाएंगे तब ये डिजाइन और अच्छा दिखेगा अब हम पिंक वाला ऊन लेंगे और इसको किसी भी एक फ्लावर से शुरू कर सकते हैं यहाँ पे हम एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और नौवे वाले में पिंक वाले उनको ज्वाइंट करेंगे कर लिया फिर चैन बनाएंगे एक एक चेन बना के इसके नेक्स्ट वाले चेन में एक चैन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे टोटल हमें तीन डबल तीन सिंगल क्रोसिया बनाना है और यहाँ पे आठ डबल क्रोशिया इधर और आठ डबल क्रोशिया इधर अब फिर चैन बनाएंगे एक दो तीन चार चार चैन बना के और यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले में फिर से सेम ऐसे ही करना है हमें आठ डबल क्रोसिया इधर छोड़ने आठ डबल क्रोसिया उधर छोड़ने हैं तो ये आठ डबल क्रोसिया इधर काउंट कर लिया और नौवे वाले डबल क्रोसिया हमें धागे को ज्वाइंट करके इसके नेक्स्ट वाले में फिर एक सिंगल क्रोसिया बनाया और फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल किया, अब इधर भी आठ इधर भी आठ फिर एक दो तीन चार चार चैन बनाया और इसके नेक्स्ट वाले में सेम ऐसे ही आठ डबल क्रोशिया स्किप किया और नौवे वाले डबल क्रोशिया में इसको ज्वाइंट किया और फिर एक दो तीन तीन सिंगल क्रॉस ये बना लिया फिर एक दो तीन चार चार चैन बना लिया ऐसे करके पूरा बनाएंगे ये, बना लिया पूरा अब लास्ट में भी हमें यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर लेंगे कर लिया ज्वाइंट ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा डिजाइन और भी प्यारा दिखने लगेगा फिर चैन बनाएंगे एक दो तीन तीन चैन बना लिया अब हमने नीचे जो तीन सिंगल क्रोशिया बनाया था उन सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक दो दो बन गए तीन अब यहाँ पे जो हमने चार चेन बनाया था उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार चार डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे अब फिर यहाँ पे जो हमने तीन चेन बनाया था इन तीन चैन के ऊपर तीन डबल क्रॉसिया बनाएंगे एक दो तीन बना लिया तीन अब यहां पे फिर इन चैन के बीच में चार डबल क्रॉसिया एक दो तीन चार चार बना लिया और फिर इस तीन डबल तीन सिंगल क्रोशिया के ऊपर तीन डबल क्रॉसिया एक दो तीन बना लिया अब सेम ऐसे ही करके हम इस पूरे लाइन को बनाएंगे जब पूरा लाइन ये बन जाएगा तब ये जो हमने नेट वाला लाइन बनाया था सेम ऐसे ही यहाँ भी बनाएंगे इसके बाद शुरू करेंगे एक चैन स्किप करके पांच चैन बनाते हुए ये पूरा लाइन बना लेंगे पांच लाइन हमने नीचे बनाया था पांच ऊपर भी बना लेंगे अब मैं पूरा बना के दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने पूरा बना लिया जितना बड़ा मुझे चाहिए ये यह यहाँ तक बताया था फिर इसके बाद हमने सेम ऐसे ये नेट वाला डिज़ाइन बनाया और फिर जब ये पिंक कलर का धागा लगाया इसमें तो चैन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया और बीच में तीन तीन डबल क्रोशिया बनाया ऐसे करके ये वाला लाइन कंप्लीट किया फिर सेम ऐसे ही ये वाला लाइन बिल्कुल सेम वैसे ही बनाया और यहाँ पे चैन के ऊपर तीन डबल क्रॉसिया बनाया और इसके बीच में तीन डबल क्रोशिया बनाया एक दो तीन बना लिया ऐसे बनाया इसमें और फिर इसके बाद जब ये लाइन हमने कंप्लीट कर लिया तो हमने सेम ऐसे ही नेट वाला ये लाइन बनाया और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे हमने तीन लाइन बनाया नेट वाला अब इसके बाद ये बॉर्डर बनाया इसमें जिसमें चैन के ऊपर एक डबल क्रोसिया और बीच में दो दो डबल क्रोसिया है अब ये बना के और अब इसका झालर बनाएंगे झालर बनाने के लिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह चैन बनाया और फिर यहाँ पे हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस चैन को स्किप किया और यहाँ पे एक सिंगल क्रॉस यह बना लिया बना लिया फिर से चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह चैन बनाया और फिर से नीचे दस डबल क्रोशिया को स्किप किया और ग्यारहवे वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना लिया बना लिया अब सेम ऐसे ही पूरा लाइन बनाएंगे ये बन गया पूरा लाइन ये ये हम झालर बना रहे हैं आप चाहे तो इस झाल पर उसको और भी बड़ा बना सकते हैं सेम ऐसे ही पैटर्न पे अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी लास्ट में यहाँ पे इसको ऐड कर लिया हमें हमेशा चैन के ऊपर से ही ऐड करना चाहिए अब फिर यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और इस जो चैन बनाया था रिंग वाला इसके ऊपर एक एक सिंगल क्रॉस बनाते जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ हम सिंगल क्रॉस बना के इस धागे को हमें बीच में लेके जाना है हमने यहाँ पे टोटल नौ और सिंगल क्रॉस बनाया तो ये हमारा धागा बीच में गया इसके अब फिर यहाँ पे अठारह चैन बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह चैन बना के अब जो नीचे रिंग बनाया था उसके बीच से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बना लिया फिर से अठारह चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह चैन बना के नेक्स्ट वाले रिंग में बीच में इसको ऐड किया ऐसे ही करके इस पूरे लाइन को बनाएंगे बना लिया अब हम इसका तीसरा लाइन बनाएंगे और सबसे लास्ट लाइन बनाएंगे यहाँ तक इसको बना के यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर लेंगे हम सबसे पहले कर लिया ज्वाइंट और फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पे नौ सिंगल क्रॉस ये बनाएंगे धागे को बीच में ले जाने के लिए तीन चार पाँच सात आठ नौ बना लिया नौ अभी हमारा धागा बीच में चला गया और फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ चैन बनाएंगे धागे को थोड़ा लंबा खींचेंगे हम जैसे पब बनाते हैं वैसे ही यहाँ बनाएंगे अब सेम जगह से हम धागे को एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस बार से एक ही जगह से धागे को ऊपर खींचेंगे और यहाँ पे सबको एक साथ बना लेंगे हमारा पब बन गया ये अब फिर चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः, सात आठ आठ चैन बनाया और यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले रिंग में बीच में इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लिया ऐसे ही सेम हमें इस पूरे लाइन को बनाना है बन गया ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है और इसे बनाने में भी बहुत कम टाइम लगा था आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना थैंक यू